नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता व मंत्रियों और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबानें इन दिनों आखिरकार क्यों पिसल रही हैं, ये हमारी समझ में अब तक नहीं आ पा रहा है। आपकी समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट में फिलहाल अपनी राय दे दीजिए। आखिरकार ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जुबान आए दिनों फिसली थी। उनकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही थी। उन्होंने साफ सीधी ये बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी की विदाई अब तय है। उन्होंने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की विदाई तय करने का। फिलहाल आप वीडियो देख लीजिए। नहीं है, आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों को भी भरोसा हो गया है, ये समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। उधर भी सहारनपुर मंडल तैयार, अलीगढ़ तैयार। आपने देखी ओम प्रकाश राजभर की ये वीडियो। फिलहाल हम ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले के सदर व विधायक व पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो के बारे में बात करने से पहले हमारा फर्ज बनता है उस वीडियो को आपको दिखाया जाए। सबसे पहले आप दुर्गा प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका ये वीडियो देखिए। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारी यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बड़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे, लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी वालों का ये कहना है, आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के जो मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, वो साफ सीधी ये बात बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे। उनकी भी जुबान पिसल गई। अब क्यों जुबान पिसल रही है, आए दिन समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता, मंत्रियों व समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की, ये समझ में हमारी नहीं आ पा रहा है। ये सब बातें हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम गठबंधन करने वाले दल हैं, उनकी जुबान आए दिन पिसल रही है। समाजवादी पार्टी की विदाई तय करके ही मानेंगे या समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंक के ही मानेंगे? क्या इन्होंने प्रण ले लिया है? क्या इसीलिए जुबान पिसल रही है? क्यों आखिरकार ये सब हो रहा है? वो फिलहाल आप अपनी कमेंट में राय देना, हम आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे देते हैं। दुर्गा प्रसाद यादव की जनसंपर्क के दौरान जुबान पिसली गई थी और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ जिले में 8 बार से सपा विधायक हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह डाली। हालांकि गलती का एहसास होते ही समर्थकों ने पूर्व मंत्री के वक्तित्व को सही करते हुए भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। पूर्व मंत्री का ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं विपक्ष, खासकर भाजपा के लोग खूब चुटकी ले रहे हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे जो वीडियो अगर सामने आ जाएँ तो वो क्यों चुप रहने लगे, क्यों शांत बैठने लगे, ये सवाल भी खड़ा होता है, वो क्यों रहने लगे? और फिलहाल हम आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी के चुटकुले चुलबुले जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौज ले रहे हैं इस वीडियो को साझा करते हुए। अर्जुन सिंह नामक बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर अर्जुन सिंह ने ये वीडियो साझा करते हुए लिखा है, समाजवादी पार्टी के खुद नेता व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव बोल रहे हैं, हम 2022 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व सपोर्टर भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो इनकी वीडियो के बारे में? इनकी जो आए दिन जुबान पिसल रही है उसके बारे में कमेंट में फिलहाल राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आखिरी तक देखने के लिए।